हेलो फ्रेंड्स, आपको जब एक ही यूट्यूब चैनल पे हजारों मार्केटिंग से जुड़े बिजनेस आइडियाज जब एक ही चैनल पे मिले तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगला बिजनेस से जुड़े आइडियाज आप तक जरूर पहुँचे। तो फाइनली तुम्हारा भाई जो है वो JP इंटरनेशनल हार्ट कपड़ा का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट जो है वहाँ पे विजिट कर चुका है। यहाँ आने का सबसे इजी प्रोसेस जो है वो आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा स्टेशन पे आ जाइएगा और वहाँ से बस पकड़ लीजिएगा। बस पकड़ के आप लोग अंकुरहाटी बोलिएगा, अंकुरहाटी तो बस वाला आपको पहुँचा देगा वहाँ पे। आप टैक्सी से भी अगर पर्सनल करके आते हैं तो वो भी आराम से आप आ सकते हैं। ये जो मार्केट है वो एशिया में सबसे गिनती में आने वाला कपड़ा का मार्केट है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट है। अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है अभी हो ही रहा है बिल्डिंग का, जिसमें कि बहुत सारे कपड़ा का व्यापारी जो है यहाँ पे आके लाट का लाट जो माल है बहुत सस्ते दाम पे देते हैं। तो अगर कोई भाई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं करने के लिए या फिर वो कर रहे हैं तो यहाँ से माल उठा के आप अपने मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। और बहुत सारे भाई जो है यहाँ से माल लेकर जाते हैं, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर कितना सस्ता में माल मिलता है। तो अगर कोई भी भाई विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर उनको कोई दिक्कत हो रहा है आने में तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किस तरह आना है, मैं बताने का पूरा कोशिश करूँगा। और ये मार्केट सिर्फ बाहर का मार्केट है और वो बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो अंदर का बिल्डिंग है। असली जो मार्केट है उसी बिल्डिंग के अंदर लगता है पूरा। कपड़ा का जो बिजनेस होता है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, लेकिन आप लोग जब बिजनेस कीजिएगा तो आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा बात कि अगर आप लोग एक दिन पूरा इनकम चाहिएगा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा बिजनेस जो है वो कच्चा बिजनेस नहीं है, वो पक्का बिजनेस है। तो अगर आप लोग चाहिएगा एक दिन में सारे मुनाफा निकालना तो वो कभी नहीं हो पाएगा। आपको करीबन 3-6 महीना टाइम देना पड़ेगा अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, तभी आपका जो बिजनेस है वो खड़ा हो पाएगा। तो कपड़ा बिजनेस में थोड़ा सब्र का ज़रूरत पड़ता है, सब्र करिएगा तभी आपका फल जो है वो मीठा होगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो करना चाहता है तो उसे लाइन बाय लाइन सारा कुछ प्रोसेस पता चल जाएगा। और मैं अगले वीडियो में धीरे धीरे आप लोगों को दाम जो है वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के पास जाके उन लोगों से सारे का सारा प्राइस जो है कपड़े का बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आइडिया जो है वो मिलेगा। अभी तो मैं सिर्फ ब्लॉग बना रहा हूँ, आगे चल के मैं सारा का सारा डिटेल्स बताऊँगा, कपड़े का जो प्राइस होता है उसका दाम, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी हमारे वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।